हमको बीजेपी चाहे जेएम हमको कुछ नहीं चाहिए, खाली जयराम चाहिए, जयराम खाली जयराम। मैया योजना बप्पा योजना निकाल दिया था, अरे भैया योजना कौन निकालेगा जी, भैया योजना भी निकालिए, भैया योजना भी चाहिए, बप्पा योजना भी निकालिए, बप्पा योजना भी चाहिए, एकदम चाहिए। शिक्षा मंत्री थे, उनका बेबी को दारू मंत्री बना दिया, दारू मंत्री बना दिया, क्यों बनाया। झारखंड के डुमरी विधानसभा में मौजूद है और यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग कितना इकट्ठा है, और ये लोग वो लोग हैं जो एक निर्दलीय पार्टी कह लीजिए, जो कि अपना पार्टी बना के जयराम महतो जो कि काफ़ी क्रांतिकारी युवा है, और इस युवा को सपोर्ट करने के लिए एक बार देख लीजिए कितना भीड़ इकट्ठित है, और उनके स्वागत में देख सकते हैं किस तरीके से लोग ढोलक डफली और लेकर सब कुछ स्वागत के लिए खड़े हैं। और इसी रास्ते से कुछ ही देरों में जयराम महतो आएंगे, वो भी आपको तस्वीर हम दिखाएंगे। इससे पहले हम इन लोगों से बात करते हैं कि ये लोग जो है क्या करने आए हैं, जयराम महतो को किस तरीके से ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब काफी सारे लोग हैं, कहाँ से आए हैं आप? अतकीफ है। कहाँ से? अतकीफ है, पेंड्राबाद। कहाँ लिए आए हैं? स्वागत करने के लिए, जयराम महतो का स्वागत करने के लिए आए हैं। जी जी हाँ जी। वोट किसको देना है? जयराम महतो को। जयराम महतो को ही देना है, और किसी को नहीं देना है? जयराम महतो को स्वागत करेंगे तो उसी को वोट देंगे। देखिए आप भैया एक मौजूद है, ये लोग जो है देख सकते हैं पूरा लोग स्वागत के लिए आए हैं, आप भी आइए आए हैं, क्या कहिएगा जयराम महतो से इतना लगाव क्यों हो गया आप लोगों को? बहुत लगाव हो गया। और भी तो पार्टियां है, जेएमएम है, बीजेपी है, महागठबंधन है, तो जैसा कोई आदमी नहीं है, कोई आदमी नहीं है, नहीं। जयराम महतो आप लोगों के लिए क्या किए हैं कि आप लोग जयराम महतो के लिए इतना टूट गए? नहीं किए, लेकिन हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है, कुछ भी नहीं किए हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। नहीं, जयराम महतो बहुत चीज किए हैं। हाँ तो ये बताइए ना। ठीक है, बहुत चीज, जैसे अभी कोलवरी में 4-5 आदमी दब गया, उन लोग को मुआवजा दिलाया, कोई नेता नहीं दिलाया, और वही दिलाया, तो जयराम महतो ने सपोर्ट करेंगे जी। बिना जीते हुए, बिना जीता हुआ प्रत्याशी, बिना कैंडिडेट के मतलब मदद करते फिर जयराम महतो, इसीलिए आप लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ एकदम उसी को करेंगे। हाँ अच्छा, बहुत सारे पार्टियां है, जेएमएम इतना दिन से है, हेमंत सरोवर कौन जी करके दिखाई है, हेमंत सरोवर कुछ नहीं किया है, ना ही किया। अभी बप्पा योजना निकाल दिया, मैया योजना निकाल दिया, मैया योजना बप्पा योजना निकाल दिया, अरे भैया योजना कौन निकालेगा जी, है हम लोग कौन चीज है? कहता है कि यहाँ औरतों की संख्या ज्यादा है, जो जिसको जिधर लेडीज वोट देती है, कहाँ ज्यादा है, इसीलिए इन लोगों के लिए जो है निकाला जा रहा है योजना, बीजेपी योजना निकाल रही है, जेएमएम योजना निकाल रही है। उस तरह नहीं होगा, आप लोग संतुष्ट नहीं है? वही बोले कि भैया योजना निकाला, मैया योजना निकाला, तो हम लोग को कौन चीज निकालेगा, हम लोग को भी दिखाइए, मतलब आप लोग भी चाहिए। हाँ कैसे चाहिए? मैया योजना से आप लोग खुश नहीं है? नहीं है, भैया योजना भी निकालिए, भैया योजना भी चाहिए, बप्पा योजना भी निकालिए, बप्पा योजना भी चाहिए, एकदम चाहिए, कैसे चाहिए, सबको चाहिए न, सबको भी अधिकार है, खाली मैया योजना सो जाएगा। हाँ और 4 साल पहले कहाँ थे आप लोग? अच्छा नहीं, जिस तरीके से जरूरत पूरा होते जाता है उस तरीके से सरकार जो योजना निकालते है, वो जरूरत पूरा नहीं हो रहा है, कोई जरूरत पूरा नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। अभी हमारा गांव चलिए, पेंड्रा बांध हमारा गांव का नाम है, ठीक है, रोड ऐसा है न कि 2 चक्का भी नहीं जाता है वहाँ। अच्छा, और वहाँ का जनसंख्या करीब करीब नहीं वोट है, 400 वोट है वहाँ पर, और सोचिए वहाँ गाड़ी नहीं जाता है, वहीं का मुखिया है, जब मैया योजना भैया योजना सब निकालते तो रोडवा कहे ना पास कराते हैं जी। कुछ दिन पहले बीजेपी भी यात्रा निकाली थी, रोड शो यात्रा। हमको बीजेपी चाहे जेएम हमको कुछ नहीं चाहिए, खाली जयराम चाहिए, जयराम खाली जयराम। इतना दीवाना है आप लोग, एकदम पूरा फूल है जी। अपना पैसा से, अपना हमारा खुद का गाड़ी है, खुद का पैसा सब लेके आए। हाँ एकदम लेके आई है, पूछ लीजिए जितना आदमी लेके आई है सबको पूछिए कि बल पैसा तो बता। आप लगता है कि सब लोगों को पैसा देके बुलाते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है, उसका पास पैसे नहीं तो लेके कहाँ से आएगा? बीजेपी तो कह रही है कि जेएमएम का टीम है जयराम महतो। नहीं है ऐसा, नहीं लोग जेएमएम में जाके मिल जाएंगे जीतने के बाद। कैसे मिल जाएगा? बीजेपी आरोप लगा रही है एक ही बार नहीं मिलेगा, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा जी। अच्छा हाँ, एक ही बार नहीं मिलेगा, लेकिन इतना भरोसा है कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो अलग पार्टी किस लिए बनाया है, जब मिलने का रहता उसको तो। अच्छा, और सारी पार्टियां जो है झारखंड में विकास नहीं कर रही है कि आप लोग जो है जयराम महतो को? नहीं, हमारा गांव में नहीं हुआ है, हम अपना गांव का अथी बता रहे हैं, हमारा गांव में नहीं हुआ है। डुमरी विधानसभा में जो पिछले बार विधायक थे वो नहीं किए हैं? कुछ नहीं किए हैं, उसको बोलने के लुरिए नहीं है तो विकास कौन सी करेगा जी। पहले विधायक का बेबी देवी, उसके पहले जगन्नाथ महतो था, फिर बेबी देवी आ गई उसका पत्नी, खाली बोर्ड लगा देता है कि बल यहाँ से यहाँ टेंडर बल पास हो गया, उसके बाद कामयान होता है।
काम भी होता है उसी तरह होता है, फिर दो साल डेढ़ साल में फिर खत्म हो जाता है। क्या भैया बेबी देवी विकास नहीं किया है यहाँ पर डुमरी में? नहीं किया अभी तक। जयराम तो आएंगे तो विकास कर देंगे एकदम फुल 100% एकदम 100% है, पूरा झारखंड को विकास करेगा, पूरा झारखंड का विकास करेगा, इतना आप लोग का विश्वास? पूरा विश्वास है। अच्छा अच्छा, किस तरीके से स्वागत करिएगा आप लोग जयराम महतो? तो आप आ रहे हैं रोड से? बहुत अच्छा तरह से स्वागत उसको करेंगे हम। हम लोग माए बहन सब वहाँ पहुँचल है, सब मिलके उसको स्वागत करेंगे अच्छा तरह से। अच्छा, तो और लोग का स्वागत कहे नहीं करेगा? और लोग भी तो आते हैं वोट मांगने के लिए। सभी करते हैं, मैंने उसको कहल करेंगे क्या उतना बार से ठगने का खाली काम किए उन लोग? खाली ठगा लोग, खाली ठगे हैं, कुछ काम नहीं किया। कहाँ काम किए कुछ दिखाइए जरा सा, कुछ विकास विकास से काम नहीं हुआ तो? चलिए और भी लोग आए, क्या करने आए हैं चाचा? जयराम महतो कल इतना दिया ना, देखिए 10-15 इलेक्शन जीते हैं लेकिन इतना पैसा खा जाना कभी नहीं खोला था, लेकिन ये आज क्यों खोला? सब पार्टी ने खोल दिया, मैया योजना, बप्पा योजना, गोगो योजना, आज क्यों खोला? इतना साल हम जीत कर आया और पैसा कभी नहीं छीटा था, कभी नहीं। जयराम महतो ने ही खोलवाया है, जयराम महतो ने खोलवाया है, मतलब जयराम महतो के चलते सब मैया योजना, बप्पा योजना, सब पैसा खजाना खोल दिया और छीट दिया पैसा वोट के लिए। लेकिन वो अब कभी नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा, पैसा वोट नहीं दीजिएगा? नहीं, अब नहीं देंगे, इतना साथ दे चुके हैं लेकिन जयराम महतो को नजुवा को देंगे। अब और बार जीतेगा चाहे हारेगा, लेकिन दूसरा पार्टी पैसा पॉकेट में रख देगा तो नहीं लेंगे? एक पैसा नहीं लिए हैं, एक पैसा नहीं, एकदम बुढ़ा गए हैं, 60 साल हो गया मेरा, लेकिन एक पैसा कभी नहीं लिए हैं। अच्छा, हम किसी से पार्टी से नहीं लिए हैं। जयराम महतो को देना? जयराम महतो को देना है। और पार्टी आएगी वोट देने? और पार्टी मांगने के लिए आएगा, हम नहीं देंगे, कसम खा लिए हैं। विधायक जी आपकी दीवारी पे आ जाएंगे? विधायक जी भी आए, वो विधायक जी काम किए थे जब तक जगन्नाथ महतो था तब तक काम किया, लेकिन बेबी देवी उनको मंत्री, शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो, उनका बेबी को दारू मंत्री बना दिया। दारू मंत्री बना दिया? क्यों बनाया? उनका दारू मंत्री है, तब का उस दारू एकदम खाली वितरण किया, दारू दारू खर्चा करने के लिए झारखंड में खाली दारू बेच रहा है, खाली दारू भी कर रहा है, बिक रहा है, यही हम विकास नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा है, घर और आप लोग नहीं बना, खाली दारू बेचो, खा पियो रहो आराम से, और दारू ताली यहाँ पर युवा लोग मार रहा है सब, क्या कहिए, कहाँ है आप लोग, कहाँ है? डुमरी आए हैं, एग्जाम दे के अभी आ रहे हैं। जयराम महतो जानते हैं? हाँ, कैसे नहीं जानते हैं, सपोर्ट करना है बहुत, तो एकदम पूरा जयराम महतो को। हाँ, पिछले बार जो लोग था वो विकास वकास नहीं किया आप लोग? नहीं, एकदम नहीं किया है, तो जयराम महतो विश्वास है आएगा तो एकदम करेगा। हाँ, युवा मतलब जयराम के साथ? हाँ, एकदम साथ। देखिए डुमरी का युवा लोग कह रहे हैं और जितने भी लोग पीछे आपको देख रहे हैं सारी लोग तालियां पीटते देख रहा है, कुछ लोग जो है झंडा लेके आया है, कुछ लोग जो ऐसे भी आया है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि इस बार जयराम महतो को हम जिताना है, क्योंकि जयराम महतो जो है इस झारखंड का और इस डुमरी का विकास करेंगे। पिछली बार जितनी भी पार्टियां थी वो लोग विकास नहीं किए, केवल जो वोट लिए। इस बार जो है जितना मैया योजना, बपुआ योजना निकाला है वो सिर्फ पैसा बांटने के लिए और वोट लेने के लिए निकाला है। बाकी इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज़ और मैं हूं साहब राज, बहुत बहुत धन्यवाद।